देखो ये क्वेश्चन छोटा सा ट्रिकी सा क्वेश्चन है, कोई ज्यादा, पर लेकिन इसको आराम से समझिए कैसे लिखिए। हमें प्रूव करना है 10 70 डिग्री इक्वल टू 10 20 डिग्री प्लस 2 10 50 डिग्री। कैन आई राइट दिस एज 10 70 डिग्री या 10 50 डिग्री को आप ऐसे लिख लीजिए, 10 50 डिग्री इज इक्वल टू 10 70 डिग्री माइनस 20 डिग्री। लिख सकता हूँ, कोई दिक्कत? टेन ए माइनस बी का फॉर्मूला यूज कर लें, 10 70 माइनस 10 20 अपॉन कितना आ जाएगा, 1 माइनस 1 प्लस 10 70 इंटू 10 20। इज दैट ओके? कोई दिक्कत? क्रॉस मल्टीप्लाई कर लीजिए, ये आ जाएगा 10 50 इंटू 1 प्लस 10 70 के साथ प्रोडक्ट में क्या है, 10 20। ओके, इट इज 10 70 माइनस 10 20। ये 10 20 को मैं क्या लिख सकता हूँ, कॉट 70। समझ में आ रही है? कॉट 70 कैसे लिख सकता हूँ, बिकॉज इट कैन बी रिटन एज 10 90 माइनस 20। तो ये दोनों कैंसिल हो जाएंगे तो कितना बचेगा, 10 50 डिग्री इंटू 1 प्लस, ये कितना जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएंगे, ये आ गया 10 70 माइनस 10 20। ये 2 आ गया, इसको इधर ले आओ, तो 2 10 50 डिग्री माइनस को इधर ले आओगे, 10 20 डिग्री इज इक्वल टू 10 70 डिग्री। दैट प्रूव्स इट। ये प्रूव करना, ए प्लस बी किसके बराबर दे रखा है, पाई बाय 4। तो दोनों तरफ 10 ले लीजिए, तो 10 a + b आ जाएगा 10 π/4। कोई दिक्कत जी यहाँ तक? ठीक है, तो इसको लिख सकते हैं आप 10 a + 10 b अपॉन 1 - 10 a 10 b। ठीक है, 10 π/4 कितना होता है, 1 चलेगा। तो 10 a + 10 b 1 - 10 a 10 b, इसको इधर ले आओ, प्लस 10 b प्लस 10 a 10 b इज इक्वल टू 1। इज दैट ओके? नाउ कैन आई राइट दिस एज 10 a, यहाँ से 10 b कॉमन ले लीजिए, 1 + 10 a इज इक्वल टू 1। ठीक है, एक काम करिएगा, यहाँ 1 ऐड कर दूँ और यहाँ 1 ऐड कर दूँ, काम हो गया मेरा, क्या बन गया ये टर्म क्या बन जाएगी, 1 + 10 a, और दूसरी वाली क्या बन जाएगी, 1 + 10 b, किसके बराबर आ गया, 2 के। दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव। ये क्वेश्चन देखिएगा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है, एग्जाम्पलर का क्वेश्चन है भाई ये वाला क्वेश्चन जो है ना, अरे कई बार पेपर्स में आ जाता है। कहता है अल्फा बीटा आर द सॉल्यूशन ऑफ दिस इक्वेशन, शो दैट 10 α + β है लाइक दिस। तो हमने लिख दिया इसको a 10x लिख दिया, ओके, माइनस सी इज इक्वल टू माइनस बी sec x लिख सकता हूँ, कुछ चलेगा, स्क्वायरिंग कर लो दोनों तरफ, तो ए स्क्वायर 10² x प्लस सी स्क्वायर माइनस 2 ac कितना बना भाई, 10x, और ये आ गया b² sec² x। कोई दिक्कत है? आराम से समझ लीजिए, a² 10² x माइनस 2 ac 10x प्लस सी स्क्वायर, और इसको b² × 1 + 10² x लिख सकता हूँ sec स्क्वायर x को, बिकॉज माई एम इज टू रिड्यूस इट एज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन 10। तो ये बन जाएगा a² - b² ऑफ 10² x माइनस 2 ac 10x प्लस c² - b² इक्वल टू 0। इज दैट ओके? अब मुझे बताइए, हमने क्या कहा था, अल्फा बीटा इसके सॉल्यूशन है, अगर अल्फा बीटा सॉल्यूशन है तो यहां डालूंगा तो 10 α और 10 β भी इसके सॉल्यूशन हो जाएंगे। तो अब यहां से मुझे ये बताइए, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 10 α × 10 β, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स वाला फॉर्मूला लग जाएगा, क्या होता है, नहीं नहीं सी बाई ए, ठीक है, सम ऑफ द रूट
क्या होता है 2ac by a square minus b square, ठीक है। What I need to calculate? I need to calculate tan alpha plus beta. क्या फॉर्मूला है इसका? Tan alpha plus tan beta upon 1 minus tan alpha tan beta. Is that okay? What is the value of tan alpha plus tan beta? 2ac upon a square minus b square. 1 minus what we have obtained here? टेन अल्फा इंटू टेन बीटा का हमने रिजल्ट ये निकाला है कितना है सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर यही निकाला है। कैन वी टेक एलसीएम? अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो टू ए सी ये तो कट ही जाएगा ऊपर नीचे, यहाँ क्या बच जाएगा हमारे पास ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर ये कट जाएगा। आई थिंक दैट्स वॉट वी वॉन्ट टू प्रूव, यही दिखाना था। सो वी आर डन, समझ में आया सबको? नोट करिए, ये जो क्वेश्चन है ये एनसीईआरटी का है, मिसलेनियस का। कुछ नहीं करना यार, बच्चा होल स्क्वायर खोल के अपने पैर पे कुल्हाड़ी मार लेता है। ये ऐसा कृषांक कई बार कर चुका है, तो यहाँ से पैदल आने में बहुत टाइम लगता है इसको, क्योंकि पैर पे कुल्हाड़ी मार चुका, कट चुका है अपने पैर से। मैथ्स पढ़ना ही नहीं चाहता। देखिए जरा यहाँ से, यहाँ पर अब हम क्या करेंगे, क्या करें बोलो। सी डी फॉर्मूला ब्रैकेट के अंदर लगा लीजिए, कितना आ जाएगा 2 cos अल्फा प्लस बीटा बाई 2 और क्या आएगा cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर, ठीक है चलेगा। इसमें 2 sin अल्फा प्लस बीटा बाई 2 एंड cos अल्फा माइनस बीटा बाई 2 पूरे का होल स्क्वायर चला। चलो ये 2 का स्क्वायर जाके 4 तो बन ही जाएगा यार। और एक बात, जब ये पूरा स्क्वायर करेंगे तो आपके पास कॉमन क्या आएगा, कॉस स्क्वायर अल्फा माइनस बीटा बाई 2 ये कॉमन आएगा और ब्रैकेट के अंदर बचेगा कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 प्लस साइन स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा बाई 2 विच इज 1। सो हेंस प्रूव्ड, हो गया काम। ये बड़ा फेमस क्वेश्चन है, ये तो बच्चा बड़ा झटका लगता है उसको जो पेपर में आता है ना, तो कुछ नहीं, ये तो बिल्कुल जो है ना इसे कृषांक से कुछ हो नहीं सकता। 1 by cos 8x, यहाँ एक ही बंदा माहिर है इसका जो कर सकता है, वो आया नहीं आज। देखिए वी कैन राइट दिस एज 1 minus cos 8x एंड हियर इट विल बी cos 8x और ये ऊपर चला जाएगा cos 4x एंड इट विल बिकम, जल्दी देखिएगा, 1 minus cos 4x, ठीक है बेटा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने एक ट्रेलर बताया था, 1 minus cos 2 theta इज 2 sin square theta फॉर्मूलेज में, ये जितना एंगल उसका आधा करके लिखना होता है, ठीक है। तो लिखने का तो भाई ये 1 minus cos 8x क्या बनेगा आप ही बताओ, 2 sin square 8 का आधा, आराम से बात समझने का, ये cos 8x, ये भाई साहब क्या बनेगा, कोई दिक्कत? अब मैं थोड़ा खेलता हूँ क्योंकि खेलने में बहुत एक्सपर्ट हूँ। sin 4x cos 4x sin 4x, ठीक है। साइन स्क्वायर 2x, मेरा मन किया 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर सकता हूँ। देखिएगा कैसे होगा, सी हाउ वी आर गोइंग टू अटैक इट फर्दर। ये जो क्वांटिटी है, ये इतनी वाली क्वांटिटी, ये क्या बन गई आप ही बताइए, क्या बन गया भाई ये, साइन 8x ये 2 cos 8x sin square 2x, ये sin 8x by cos 8x अच्छा नहीं लग रहा है ऐसे, tan 8x क्या, tan बन जाएगा ना, कितना बन जाएगा tan, क्या क्या होता है tan, 9 plus 1 10 होता है गधे बेवकूफ, tan नहीं पता। देखो जरा ध्यान से, 2 ये रह गया, इसको ऊपर तोड़ दो, 2 sin 2x और cos 2x
और ये नीचे साइन स्क्वायर 2x, ये 2 2 से गया और एक ये भाई साहब गया, तो ये कितना बच गया भाई, tan 8x इंटू cot 2x। तो एक चीज नोटिस करी है, 8x को ठंड नहीं लग रही, 2x को ठंड लग रही है, बताओ कैसे। देखो जरा ध्यान से, 8x को ठंड नहीं लग रही लेकिन 2x को लग रही, बताओ कैसे। नहीं उसने कोट पहन रखा गधे, कोट 2x है वो। अरे इसको लिख दिया tan 8x बाय, उल्टा लिख देंगे तो tan 2x आ गया प्रूफ, ऐसे होता है। तो ये थोड़ा सा आपको समझना है कि कैसे ये सब हुआ। चलो ये सब हुआ, अब बहुत कुछ होगा। ये भी बड़ा फेवरेट हॉट क्वेश्चन है पेपर में ना, जब लगता है ना टीचर को कि नहीं बच्चों की वाट लगानी है तो ये क्वेश्चन डाल देते हैं। अब समझते नहीं यार, बच्चे हैं उनको अभी जो है अभी आर्यभट्ट को ही बनाना, उनको बच्चों को यार मैथ से डराना नहीं है ना, समझाना, खेलते हैं इसके साथ। देखिए इट्स नॉट सो डिफिकल्ट क्वेश्चन। देखो भाई काफ़ी देर से पढ़ रहे हो आज लोग, तुम लोग भाई हैं, टॉर्चर चल रहा है मेरा, है ना। 3π/8 इसको प्लीज़, ये प्रोडक्ट ही है, 1 cos, इसको ऐसे लिख सकते हैं पाई माइनस 3π/8, क्योंकि 8π हो जाएगा। और जो लास्ट वाली जो टर्म है ये वाली, देखो इस एंगल को आप लिखने का तरीका देख लीजिए, ये बन जाएगा पाई माइनस पाई बाई एट, और ये इसका मैंने क्या बनाया पाई माइनस। देखो अगर आप बच्चा थोड़ा सा स्मार्ट हो ना, उसको ये देखना है इन दोनों एंगल का डिफरेंस लिखना है, ये पहले वाले, उसे फायदा क्या होगा मैं बताऊंगा। तो क्या बन जाएगा देखना जरा ध्यान से, 1 cos π - π/8। अभी थोड़ी देर पहले मैंने ट्रांसफॉर्मेशन फॉर्मूले दिए थे जो कि मेरे ख्याल से किरचांग को सारे याद हो गए होंगे, अगर ना याद है तो मैं आज इसको जुपिटर पे भेज दूंगा मैं। पाई माइनस थीटा क्या होता है 3π/8, और ये 1 cos π/8। चला ये का, इसका और इसका प्रोडक्ट इसके साथ करने पर 1 cos²π/8, इसका और इसका प्रोडक्ट इसके साथ करने पर 1 cos²3π/8। 1 cos²θ इज sin² आ गया, sin²π/8 इंटू sin²3π/8। समझ में आया। अब एक बात बताइए, थोड़ी देर पहले कुछ एक चीज बताई थी मैंने, क्या बताया था, cos²θ इज इक्वल टू क्या था भाई, 1 - 2 sin²θ, ये भी बताया था फॉर्मूला, बताया था ना। तो इसको ऐसे भी लिखा जा सकता, 1 cos²θ इज इक्वल टू sin²θ, यूज कर लो ना, कितना बन गया 1 cos π/4/2 बना, और ये 1 cos 3π/4/2 भाई, cos π/4 की वैल्यू होती है 1/√2 और cos 3π/4 की वैल्यू होती है -1/√2। ये वैल्यू डालने का ये आ जाएगा 1 - 1/√2/2 और ये 1 + 1/√2/2। अब ये बन गया 1 - 1/2/4 और ये बन गया 1/8। दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव। आई डोंट थिंक सो दैट इट वाज अ डिफिकल्ट क्वेश्चन, थोड़ा सा दिमाग। ये भी कई बार बच्चे को परेशान करने के लिए मैडम लोग डालती हैं, ठीक है कोई बात नहीं, लेकिन यार एंगल तो ये भी वही है जो भी थोड़ी देर पहले बातचीत करी थी, वही बातचीत फिर यहाँ करेंगे। और इसको क्या लिख देंगे, पाई माइनस क्या लिखेंगे, 3π/8। एक वो इंजेक्शन लेके आओ, वो π - π/8, ठीक है ऐसे आएगा, ठीक है। तो इसको लिख लिया, अभी तेरे से मैं, तू मेरे बराबर में बैठा, तेरे से बहुत कुछ पूछूंगा मैं। cos⁴ 3π/8, देखो यहाँ एक चीज का फायदा उठाना है पावर का, क्योंकि नेता लोग भी पावर का ही फायदा उठाते हैं ना, तो ये क्वेश्चन भी पावर का फायदा उठाएगा। क्या फायदा उठेगा, सॉरी ये 4 आएगी पावर। सुनिए, इवन पावर होने की वजह से यहाँ अंदर से माइनस साइन है प्लस है, कोई फर्क नहीं पड़ेगा,
ये बात सबको समझ में आ रही है साथ साथ? ये आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा, कोस की पावर 4 3 पावर बाई 8, ये इज दैट ओके? ये भाई साहब आ जाएगा 2 टाइम्स चलेगा, ये भाई साहब आ जाएगा कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 प्लस कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8 का होल स्क्वायर माइनस 2 कॉस स्क्वायर पाई बाई 8 एंड कॉस स्क्वायर 3 पाई बाई 8। कितने लोगों को ये चीज़ समझ में आ गई? ए की पावर 4 प्लस बी की पावर 4 का लिखने का सबसे बढ़िया तरीका क्या होता है? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 2 ए स्क्वायर बी स्क्वायर। तो वही तो किया मैंने, है ध्यान रखना। कॉस 2 थीटा का एक पर्टिकुलर केस ये भी होता है, कॉस स्क्वायर थीटा होता है 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2। अब मैं इसका फायदा उठा के दिखाता हूँ तुम्हें, ये 2 पूरी ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई है वाला 2, समझिएगा। जैसे क्या गया, 2 1 प्लस कोस पाई बाई 4 बाई 2, ये क्या बन जाएगा, पूरे का माइनस यहां से 2 1 प्लस कोस पाई बाई 4 बाई 2 और 1 प्लस कोस 3 पाई बाई 4 बाई 2, इज दैट ओके? अब पूरे के साथ ही ब्रैकेट है भाई, देखो पूरे के साथ ही ब्रैकेट है, ये बनेगा 1 प्लस 1 बाई रूट 2 बाई 2, ये बनेगा 1 माइनस 1 बाई रूट 2 बाई 2, क्योंकि क्योंकि क्यों बताओ, माइनस 1 प्लस 1 बाई रूट 2 और ये 1 माइनस 1 बाई रूट 2 पूरे के नीचे 2, इज दैट ओके? ये कट गया इससे और ये आएगा 2 और ये आ जाएगा 1 और ये आ जाएगा कितना, 1 माइनस 1 बाई 2 बाई 2, इज दैट ओके? दैट इज 2 टाइम्स ऑफ 1 माइनस, आई थिंक इट विल बी 1 माइनस 1 बाई 4 एंड व्हाट इट विल बी 3 बाई 2। ये दिखाना था क्या यार, हम तो बड़ी जल्दी लपेट दिया हमने क्वेश्चन, मुश्किल था क्या? ये दोनों मिलते जुलते क्वेश्चन है, हाँ ये भी मुश्किल नहीं, देखो ये भी 3 बाई 2 3 बाई 2, ये ऐसे क्वेश्चन बिल्कुल मुश्किल नहीं होते हैं। देखो या फिर मैं फॉर्मूला यूज़ करूँगा, कॉस स्क्वायर थीटा इज 1 प्लस कॉस 2 थीटा बाई 2, लगा डालो कितना आएगा, 1 प्लस कॉस 2x बाई 2, तो सबके नीचे एक साथ ही लिख दूंगा या लिखना भी लिख दूँगा। यहाँ बच्चा क्या करता है, जब ये 2 टाइम्स करता है, अंदर वाले एंगल को पूरे को 2 से मल्टीप्लाई करने का, 2x प्लस 4 पाई बाई 3, ठीक है जी, चलेगा। 1 प्लस कितना आएगा, कॉस 2x प्लस 4 पाई बाई 3, ओके। नाउ सी, पूरे में से 1 बाई 2 कॉमन, और ये 1 1 1 1 कितने बार ऐड हो गया, 3 बार, कॉस 2x प्लस कॉस 2x प्लस 4 पाई बाई 3 माइनस 4 पाई बाई 3, इज दैट ओके? क्लियर है? वन कैन राइट दिस एज 1 बाई 2 3 प्लस कॉस 2x, इन दोनों में लगा दो सी डी फॉर्मूला, क्या लगेगा सी डी फॉर्मूला लग के, 2 कॉस दोनों एंगल्स का सम करेंगे तो 2x प्लस 2x 4x बाई 2, दोनों का डिफरेंस लेंगे तो कॉस कितना आ जाएगा, आई थिंक इट विल बी 8 पाई बाय 3 इंटू 2, ठीक है ना, ये बनेगा ओके। टू कॉस 2x, व्हाट अबाउट दिस 4 पाई बाय 3, कॉस 4 पाई बाय 3 कैन बी रिटन एज पाई प्लस पाई बाय 3, कौन सा क्वाड्रेंट, थर्ड क्वाड्रेंट, नेगेटिव आ जाएगा,
माइनस साइन पहले बाहर लगा दो, कोस पाई बाई थ्री. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ कोस पाई बाई थ्री? 1/2. कट गया, पर ये इससे कट गया, यही तो दिखाना था. ये बड़ा उस्ताद क्वेश्चन है, ये बस में नहीं आता लोगों के. ये एंगल के अंदर टू से मल्टीप्लाई, एंगल के अंदर समझिए. इसका कुछ इलाज करते हैं, ये कई बार पेपर्स में आ जाता है और बच्चा गलत करके आता है. ठीक है, क्योंकि कई बार बच्चा जो है ना, बच्चे बड़े नालायक टाइप के बच्चे होते हैं. मैं बता दूँ, दुनिया में कई प्रकार के बच्चे होते हैं. नहीं तो फिर मां नहीं खाएगा और कुछ नहीं खाएगा. देखो बाकी नो सी, वी हैव टू साइन स्क्वायर बीटा प्लस फोर कोस अल्फा प्लस बीटा साइन अल्फा साइन बीटा. कॉस टू थीटा का फॉर्मूला लगा लेते हैं. कौन से और लगाएंगे जो कॉस के टर्म में होता है? तो आ जाएगा ये टू कॉस स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा माइनस वन. ये माइनस वन इस इधर ले आ, टू साइन स्क्वायर बीटा माइनस वन प्लस. अब आराम से जो ना चीज़ों को ऑब्जर्व कर लेगा कैसे आएगा. इसमें और इसमें कॉमन आ जाएगा टू कॉस अल्फा प्लस बीटा. इज दैट ओके? यहाँ से क्या बच जाएगा? टू साइन अल्फा साइन बीटा और यहाँ कॉस अल्फा प्लस बीटा. इज दैट ओके? नाउ सी, कैन आई राइट दिस एज माइनस साइन इफ आई टेक कॉमन? इट विल बी माइनस कॉस टू बीटा. दिस इज माइनस टू कॉस. साइन वाला फॉर्मूला जो होता है वो वन माइनस टू साइन स्क्वायर बीटा होता, तो मैंने माइनस लिख दिया. ठीक है, टू कॉस अल्फा प्लस बीटा. वी कैन राइट दिस एज टू साइन अल्फा साइन बीटा. ये आ जाएगा, फॉर्मूला लगा दो, कॉस अल्फा कॉस बीटा माइनस साइन अल्फा साइन बीटा. इज दैट ओके? नाउ अगेन इफ आई ओपन इट, माइनस कॉस टू बीटा प्लस टू कॉस अल्फा प्लस बीटा, वी विल बी लेफ्ट विद ओनली कॉस अल्फा कॉस बीटा एंड प्लस साइन अल्फा साइन बीटा. गॉट इट? अगर ऐसा हम करते हैं तो ये आ गया माइनस कॉस टू बीटा टू कॉस अल्फा प्लस बीटा एंड इट इज अ फॉर्मूला ऑफ कॉस अल्फा माइनस बीटा. इज दैट ओके? नाउ वी हैड डन द फॉर्मूला टू कॉस ए कॉस बी. कैन यू टेल मी व्हाट वाज दैट फॉर्मूला? कॉस ए माइनस बी प्लस कॉस ए प्लस बी. इज दैट ओके? यूज दैट फॉर्मूला. कितना आएगा ये कॉस टू अल्फा? देखो जरा, दोनों का एडिशन ये आएगा और दोनों का सब्ट्रैक्शन कितना आएगा? प्लस कॉस टू बीटा. दिस विल गेट कैंसिल. दैट्स व्हाट वी वांट टू प्रूव. ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, मैं आपको पहले बता दूँ. इट इज़ अ वेरी वेरी गुड क्वेश्चन और ये कई बार एग्जाम में सेट होता है और बच्चा गलत करके आता है. और ये तो माइंड ब्लोइंग क्वेश्चन है ये वाला, जब मैं कराने वाला हूँ. इट इज़ आई एम गिविंग दिस क्वेश्चन एज 3 स्टार. ये समझिएगा, हमें प्रूव करना है. ये बेसिकली 10 27x है माइनस 10x है. ठीक है, कैन वी राइट दिस एज? हमने कॉस से मल्टीप्लाई कर दिया, कॉस से डिवाइड कर दिया और टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड. गॉट इट? साइन 3x कॉस 9x, कॉस 3x से मल्टीप्लाई, कॉस 3x से डिवाइड, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड. ठीक है, यहां पर साइन 9x है तो कॉस 9x से मल्टीप्लाई, कॉस 27x कॉस 9x, टू से मल्टीप्लाई, टू से डिवाइड. तो ऊपर क्या फॉर्मूला बन गया? ये साइन 2x. ठीक है जी, और ये बन गया टू कॉस 3x कॉस एक्स. ये ऊपर कितना बन गया? टू साइन, साइन 6x बन गया ना,
और नीचे क्या बन गया, ये वो तो वही रहेगा, ये ऊपर क्या बन जाएगा, साइन 18x टू कॉस 27x कॉस 9x। अगर आप नोटिस करें इन दोनों एंगल का डिफरेंस ऊपर लिखा हुआ है, तो ऐसे एक्सप्रेस कर दो उसको, ऐसे लिख सकता हूँ साइन 3x माइनस एक्स, लिख सकता हूँ, देखो जरा इसको ऊपर कैसे लिख देंगे, साइन 9x माइनस 3x, चलेगा? इसको कैसे लिख देंगे, साइन 27x माइनस 9x, ठीक है जी, एंड इट विल बी 2 कॉस 27x कॉस 9x। नाउ सी, इस पूरे में से क्या कॉमन आएगा भाई, 1/2, या फॉर्मूला यूज कर लो, किसका, साइन का, साइन 3x कॉस एक्स माइनस कॉस 3x साइन एक्स, और इनके नीचे अलग अलग ये लिख लो, कॉस 3x कॉस एक्स, और यहाँ पर भी कॉस 3x एंड कॉस एक्स। देखो मैं अलग अलग, ये मैंने पहला ये एक्सप्रेशन सॉल्व किया, अब दूसरा देखो क्या आएगा, साइन 9x कॉस 3x अपॉन कॉस 9x कॉस 3x माइनस, अगली टर्म में इसके बाद लिख रहा हूँ, कितना बनेगा भाई, साइन 3x कॉस 9x अपॉन कॉस 9x कॉस 3x प्लस साइन 27x कॉस 9x माइनस कॉस 9x सॉरी साइन 9x एंड कॉस 27x अपॉन कॉस 27x कॉस 9x अपॉन कॉस 27x कॉस 9x। काफ़ी बड़ा एक्सप्रेशन हो जाता है, ये कट जाएगा यहाँ से, ये यहाँ से कट जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और ये इससे कैंसिल हो जाएगा, और यहाँ ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो अभी आप नोटिस करिएगा क्या बन के आता है, ये पहला एक्सप्रेशन बनेगा टेन 3x, ये अगले वाला क्या बनेगा 10x, और ये क्या बनेगा 10 9x, और ये क्या बनेगा माइनस 10 3x, और ये प्लस 10 27x, और ये माइनस 10 9x, ये इससे कैंसिल हो गया, और आई थिंक यही हमें प्रूव करना था, 1/2 10 27x माइनस 10x। आपने देखा कि काफ़ी अच्छा क्वेश्चन है, ये हल्का क्वेश्चन नहीं है। ये भी देखिए, ये भी कई बार आते हैं छोटे छोटे, ये भी जुमले हैं, ये कुछ नहीं है, देखिए कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है ये भी। इसमें से किसकी वैल्यू जानते हो आप, 60 की, कितनी होता cos 60 1/2, वो तो लिखी दो, cos 20 cos 40 cos 80, पेयरिंग बना लीजिए, जो पेयरिंग चाहो उसी की बना लो। मैंने क्या किया, 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड, 2 cos 20 डिग्री cos 40 डिग्री cos 80 डिग्री को रखा बाहर। अब मुझे बताइए 2 cos a cos b का फॉर्मूला क्या बताया था, cos a प्लस बी और प्लस cos a माइनस बी, और एंगल a किसको लेते थे, जो बड़ा होता है, बड़ा एंगल क्या 40 वाला हो गया। तो इस फॉर्मूले के आधार पर ये क्या बन जाएगा भाई, आप ही बताइए क्या बनेगा, cos 60 और 20 cos 80 इज दैट। आप फिर किसकी वैल्यू जानते हो, तो 1/4 यह आ जाएगा 1/2 प्लस cos 20 इंटू cos 80 इज दैट ओके। एक काम करिए, एलसीएम लेके निपटा दीजिए, 1/8 आ गया cos 20 एंड होल ऑफ दिस एक्सप्रेशन इज मल्टीप्लाई बाय cos 80 डिग्री, ठीक है, समझ में आ गया। नाउ सी, वी कैन राइट दिस एज 1/8 cos 80 डिग्री प्लस 2 cos 20 डिग्री cos 80 डिग्री, या फिर ये वाला फॉर्मूला लग जाएगा 1/8 cos 80 डिग्री
ये क्या बन जाएगा कॉस 100 डिग्री, फिर क्या बनेगा कॉस 60, ये इससे कैंसिल हो जाएगा, क्यों, बिकॉज कॉस 100 डिग्री इज माइनस कॉस 80 डिग्री, माइनस कर गया क्वाड्रेंट रूल से, तो कॉस 60 कितना होता भाई, कितना आ गया 1/16 हो गया। नाउ सी दिस वन, इनमें से किसकी वैल्यू जानते हैं आप, साइन 30, तो वो वैल्यू रख दो, कितनी होती है साइन 30, कितना होता है साइन 30, 1/2, तो ये आ गया साइन 10 डिग्री, साइन 50 डिग्री, साइन 70 डिग्री, तो यहाँ फिर हमने 2 से मल्टीप्लाई, 2 से डिवाइड कर दिया तो हमारे पास आ गया 1/4। पेयर बना लीजिए जो आपको बनाना है, कोई भी बना दिया हमने, 2 sin 10 degree, sin 50 degree और ये sin 70 degree। हमारे पास फॉर्मूला होता था 2 sin A sin B, क्या होता था फॉर्मूला बता सकते हो इसे आप, ही बताइए, ये कॉस की टर्म में आएगा ना, कॉस की टर्म में आएगा, थोड़ा सा प्लीज यहाँ गलती करते हैं ये साइन, मैंने जानबूझ के दोनों क्वेश्चन लिखे हैं, यहाँ गलती होती है, अब आराम से समझिएगा, ये जो आता है ये आता कॉस ए माइनस बी माइनस कॉस ए प्लस बी, देखो दिमाग में मैंने कैसे स्ट्राइक किया, कॉस ए माइनस बी का फॉर्मूला होता है कॉस ए कॉस बी प्लस साइन ए साइन बी, इसमें प्लस में वो आता तो प्लस यहाँ बन जाएगा, अब ध्यान से देखना ये एंगल ए, 50 वाले को ए लेंगे तो कितना बनेगा बताओ जरा डिफरेंस, अभी बताओ कितना बनेगा कॉस 40 और 60 की वैल्यू जानते हो ना कितना होता है, ठीक है जी, एलसीएम ले लो कितना आ जाएगा 1/8, नाउ सी आगे देखिएगा ये कैसे होगा, मल्टीप्लाई कर लीजिए 1/8 2 cos 40 degree sin 70 degree -sin 70 degree, यहाँ किसका फॉर्मूला लगा 2 sin A cos B, बड़ा एंगल ये है ए, यहां से डिसाइड हुआ कि 2 sin A cos B, तो 2 sin A cos B का फॉर्मूला क्या था sin A + B प्लस sin A - B, ठीक है जी, लगाइए दो फॉर्मूले लगते हैं इसलिए ये फॉर्मूला क्वेश्चन ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, साइन वाला ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, तो भाई आप जरा करके देखिए कितना आएगा दोनों का सम, साइन 110 डिग्री और दोनों का डिफरेंस कितना आता है, डिफरेंस कितना आता है भाई 180 - 70, कितना आ गया 1/16, क्या ये फंडा क्लियर हुआ, ये देखिए ये वाला क्वेश्चन भी, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनमें से एक है ये देखिएगा क्या है ये वाला क्वेश्चन, नाउ सी कैन आई राइट दिस एज √3 / कितना लिखूँ इसको sin 20 degree -1/cos 20 degree, ठीक है लिख सकता हूँ, अब एलसीएम ले लो √3 cos 20 degree -sin 20 degree (sin 20 degree) और cos 20 degree, ठीक है जी, मैंने कल एक बार पहले ही बताया था कि क्लासिक इक्वेशन में ये √3 और इसके साथ ये √3 का स्क्वायर करो प्लस -1 का स्क्वायर करो और उसका स्क्वायर रूट कितना आता है 2, उससे मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, तो हमने क्या किया यहाँ पर √3/2 cos 20 degree -1/2 sin 20 degree यानी 2 से मल्टीप्लाई और 2 से डिवाइड कर दिया चलेगा, कितना बना, ठीक है इसको लिख सकता हूँ मैं sin 60 cos 20
माइनस कॉस 60 या फिर मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया और 2 से डिवाइड कर दूं, ये ऊपर क्या बन गया बता सकता कोई? साइन 40, ए माइनस बी बन जाएगा ना, ये जो बनेगा बन जाएगा साइन 60 माइनस 20 बन जाएगा, और ये नीचे क्या बन गया साइन 40। चल बसे, इतना रखिएगा ठीक है, बाकी